ये है हमारा फ्रिज गोदरेज का। तो यहाँ पे आप दो वायर दिख रहे हैं, ये एक मेटल का वायर है। ये है हमारा फ्रिज गोदरेज का। ये है कंप्रेसर और ये है फ्रिज, जिसे हम लोग डीप फ्रिज भी कहते हैं। सो यहाँ पे मिस्सी होके पड़ा हुआ है। पूरा स्टोरी आप लोगों से बताते हैं अभी। खतरनाक दोस्तों, खतरनाक। आज का वीडियो जो है ना, पैसे वाला वीडियो है। पैसे के ऊपर हम लोग आज वीडियो बनाएंगे। जहाँ पे कोई खर्चा ही नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 5,000-6,000 का फटका लग गया। सो रीजन क्या है आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस वजह से ये वीडियो बन रहा है। सो ये वीडियो जो रीजन से ये मेरा इतना पैसा खर्च हुआ है, वो ना ही कोई डीलर बताएगा आपको, ना ही कोई होलसेलर बताएगा, और ना ही कोई शोरूम वाला बताएगा कि ऐसा ऐसा मत करो, ये फ्रिज जो है आपका खराब हो सकता है। अभी गर्मी का टाइम है, सबको फ्रिज का जरूरत पड़ता है, और हमारे इसी बीच 2-3 दिन पहले ये खराब हो गया था। कौन सा चीज़ खराब हुआ है, कौन सा पार्ट्स हम लोगों ने चेंज करवाया, वारंटी में कौन सा पार्ट मिलता है, कंपनी लोग क्या बताते हैं और क्या छुपाते हैं हमारे हमारे साथ कि फ्रिज जो है खराब हो जाए, फिर कस्टमर जो है हेल्पलाइन नंबर पर फोन करे, फिर चूना लगे, फटका फटका वगैरह वगैरह जो भी हो, तो पूरा प्रोसेस जो है आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग भी ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना कि ये वो हिडन चार्जेस रहते हैं ना, हिडन चार्जेस की तरह ये भी कोई डीलर बताता नहीं है कि ये इस वजह से खराब होता है। ऊपर से कंपनी ये रीजन, जिस रीजन से मेरा फ्रिज खराब हुआ है, उस रीजन से अगर किसी का भी खराब होता है तो कंपनी इसमें क्लेम नहीं करता है, जो कंप्रेसर का वारंटी आता है ये वगैरह वगैरह। सो चलो पूरा वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो चलते हम अपने फ्रिज पे। जैसा कि दिख रहा है, ये गोदरेज का है और ये है जिसे हम लोग डीप फ्रिज कहते हैं। सो इस यहाँ पे 2 दिन पहले ये पूरा बर्फ से भर गया था, जस्ट इतना सा गैप था यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि एक नाइफ से ये पूरा जो बर्फ है इसको हटा दिए थे, और इसको हटाने के वजह से बर्फ को वो क्या नोकीला चीज जो है ये कूलेंट को डैमेज किया है। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन, ये कोई डिजाइन बना हुआ नहीं है, ये है इसके अंदर कूलिंग का जो एक लिक्विड रहता है, लिक्विड नहीं बेसिकली वो गैस रहता है, कूलिंग गैस, वो गैस से ये चेम्बर बना हुआ है, ये इसके अंदर ये गैस रहता है, इसी के वजह से ये इतना कूल कर पाता है, डीप कर पाता है। सो इसको फिलहाल बंद करते हैं, और एक इसको लगाने से पहले एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को मैं वीडियो के ऊपर दे देता हूँ, वो चेकआउट कर लेना। ये रहा हमारा पुराना जो डीप फ्रीजर है, ये रहा डीप फ्रिज पुराना वाला चेम्बर। सो गाइस, ये है हमारा जो फ्रिज है, फ्रिज का ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हम लोग ज़्यादा कूल होता है, बर्फ होता है, वो वाला पार्ट। तो ये क्या है ना कि लीकेज हो गया था 2-3 दिन पहले। सो यहाँ पे आप दो वायर दिख रहे हैं, ये एक मेटल का वायर है। सो ये एक्चुअली ये काम क्या करते हैं, ये अंदर में ये डिज़ाइन दिखता है आप लोगों को, तो ये डिज़ाइन जो है इसके अंदर एक गैस रहता है, कूलिंग गैस। तो अगर कभी भी आपका फ्रिज में बर्फ जम जाता है तो उसको कभी भी नोकीले कोई चीज़ से आप लोग हिट मत करना। तो कहना कि ये जो पोर्शन है अंदर वाला साइड पे, अगर यहाँ पे कहीं पे भी छेदा हो जाता है या लग जाता है ज़्यादा तेज, तो ये डैमेज कर सकता है, और ये आपका खर्चा ऑलमोस्ट 3,000 का खर्चा के दिलाएगा। सो ये है हमारा फ्रिज का जो डीप फ्रिज बोलते हैं वो वाला पार्ट, ये पुराना वाला है जो खराब हो चुका है। सो यहाँ पे इसके अंदर एक नाइफ से लग लग के यहाँ पे कुछ पॉइंट हो गया था, मतलब वो जो ये लाइन है इसके अंदर बेसिकली कूलिंग गैस भरा हुआ रहता है,
जो डीप फ्रीज को बर्फ करने में सहायता देते हैं। और ये जो दो वायर दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें से ही वो जो कूलिंग का जो लिक्विड है, गैस है, उसको भरा जाता है, इसके अंदर ही वो रोटेट होते रहता है। अब ये वाला चीज़ जो है ना, कि कभी भी कोई कंपनी वाला आप लोगों को नहीं बताएगा। अब रीज़न क्या है नहीं पता, लेकिन वो लोग बताता नहीं। कभी भी आप लोग सुने हो कि कहीं शॉप पे गए कि वो लोग बताए कि ये सब जो है ये ऐसा ऐसा बात है, आप लोग कभी इस अब बात है कि इसको चेंज करवाने में कंपनी आपसे पूरा चेंज कंप्रेसर ये और भी वगैरह दो चार चीज़ है उसको चेंज करवाने में कंपनी आपसे 6 से 7 हज़ार रुपये चार्ज करेगा। और मैंने क्या किया कि हमारे एक फ्रेंड था लोकल, सो उस मकानिक को बुलाए। ये जो जाले दिख रहे हैं आपको, ये भी कोई रीजन से ही बना हुआ है। इसके अंदर भी वो लिक्विड जो है, गैस जो है, वो फ्लो करता है। ये मेरा पुराना वाला जाली है और ये वाला जो नया है, जो कि आज मेरे को बदलना पड़ा। और इस लीकेज के वजह से मेरा जो कंप्रेसर था, मतलब फ्रिज का, मेरा नहीं, फ्रिज का जो कंप्रेसर था वो खराब हो गया था, कि अंदर से पाइप के अंदर से वो पानी आके कंप्रेसर का जो वो प्रेशर है, वो जो जिस प्रेशर से वो एयर को फ्लो करता है, वो जो है खराब कर दिया था। उसके वजह से हमने एक LG का नया कंप्रेसर लाया है। ये है हमारा जो दोस्त है, ये इंस्टॉल किया था, ये नया ये है कंप्रेसर, जिसका वारंटी 1 साल तो मिला है, 1 साल वारंटी मिला है। लेकिन इसमें भी एक झोल है, जैसे कि अगर आपका इस टाइप का लीकेज के वजह से कंप्रेसर खराब होता है तो आपको कंपनी क्लेम नहीं करेगा, वारंटी नहीं मिलेगा। कंप्रेसर का शायद 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का वारंटी रहता है। अगर इस कूलिंग लीकेज के वजह से अगर होता है कंप्रेसर खराब या डैमेज वगैरह कुछ भी, तो कंपनी क्लेम नहीं करेगा, कि आपको क्लेम 3 साल 5 साल का जो क्लेम है वो नहीं मिलने वाला है। अब ये तो पहले से बता देना चाहिए डीलर वाले लोग कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है, मत करो, लेकिन ये लोग बताएगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को कमाना है पैसा। सो अभी फाइनली काफ़ी अच्छा से, काफ़ी बढ़िया से काम हो गया, लेकिन फटका थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। ये फ्रिज चलने लगा है, कूलिंग भी काफ़ी हो रहा है, ठंड हो गया, मतलब कितना आधा घंटा भी नहीं होगा चलाया हुआ, 15 से 20 मिनट, अभी पानी ठंडा भी हो गया। सो इतना ही था। तो कंप्रेसर का जो ये है वो दिखा देता है बिल, ये बिल है 2790 का, 1 साल का वारंटी मिल रहा है। तो चेंजेस हम लोग को क्या करवाना पड़ा, खराब सिर्फ ये वाला हुआ था इसका, ठीक है, हम लोग को ये चेंज करवाना पड़ा, फिर नीचे पीछे वाला जो जाली है उसको चेंज करवाना पड़ा, फिर कंप्रेसर को भी चेंज करवाना पड़ा। अगर कंप्रेसर को अगर चेंज नहीं करवाते आप लोग, सो 2000 बाहर से 2000 के अंदर या 3000 के अंदर हो जाता है, लेकिन आप कंप्रेसर चेंज करेंगे तो बाहर से आप लोगों को वही 5000 तक फटका लगने वाला है, और कंपनी से करवाएंगे तो 8 से 10 हज़ार के बीच में फटका लगने वाला है। सो आप लोग सोच लो कि क्या करोगे। ये बात जरूर ध्यान में रखना, पर्सनल मेरे हिसाब से कभी भी नोकीला चीज से उसको हिट मत करो। या तो आप, अगर आपको बर्फ जो है ज्यादा जम गया उसको हटाना है, सो क्या करो, ये जो डिफ्रोजर है इसको आप पुश कर दो, नहीं तो डायरेक्ट ऑफ कर दो फ्रिज को। तो इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा फ्रिज को जो है डिफ्रोज होने में, लेकिन आपका पैसा बहुत बच जाएगा। होप कि आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो क्या करना है पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइल। टाटा, साइनिंग ऑफ। Thank you.